अकेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, वोटपथ में आपका स्वागत है और आज हम वीरांगना लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली झांसी में मौजूद हैं। झांसी में हम यहां पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो 2022 का महाचुनावी समर है उसमें लोगों ने क्या मूड बना रखा है। हम यहां के अलग अलग विधानसभा में जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि इस बार पिछली बार की क्या बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप करेगी या इस बार कहीं कुछ बदलाव की बयार देखने को मिलेगी। 2022 के महासमर के लिए चुनावी जो कसरत है वो लगातार जारी है। सियासत में जो जीतने और हारने का दांव पेच है वो लगातार खेले जा रहे हैं और अगर बुंदेलखंड में की बात करें तो झांसी एक अलग मायने रखता है सियासत में। झांसी की जनता हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या सोचना है 2022 को लेकर। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की यहाँ विजय यात्रा निकली थी, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, तो सियासत का केंद्र है, तो इस बार झांसी की जनता का मन क्या है, मूड क्या है? देखिए, मैं व्यापारी समाज से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। व्यापारी ने मन बना लिया है कि जो व्यापार हित की बात करेगा वही व्यापारियों के वोट बैंक पर राज करेगा। हमने बहुत इस्तेमाल हम हो लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। अब इस देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं, अब उन्हें संगठित होने की आवश्यकता है और बुंदेलखंड और झांसी का व्यापारी संगठित हो गया है। हम देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमें क्या लाभ दे रही है, हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे व्यापारी समाज के लिए क्या कर रही है। पिछले 5 साल में क्या हुआ? देखिए, पिछले 5 साल में बहुत कुछ काम हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यापारियों के प्रति जितना उसे काम करना चाहिए था, जैसे GST 2017 में लगा था, लेकिन आज 4 साल बाद भी 1000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए हैं और GST में संशोधन की बहुत ज़रूरत है। आने वाले समय में व्यापारी ये चाहेगा कि हमारे हित में क्या हो सकता है, कौन पार्टी हमारे हित में, उनका जो मैनिफेस्टो होगा उसमें हमारे लिए क्या काम कर रही है, उस हिसाब से हम तय करेंगे हमें वोट किसे देना है। जी, अब की बार किसकी सरकार? देखिए सर, ये तो समय बताएगा, नहीं आप बताइए। अब देखिए सर, हम लोगों से आपने क्या मूड बनाया है? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, व्यापारी वर्ग से हैं। अच्छा। और हम लोगों को सरकार से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मतलब आपको सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं पिछले 5 साल में? बीजेपी सरकार से पूर्णतः संतुष्ट हूं मैं तो। चलिए, व्यापारी वर्ग है और भी लोग यहां पर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव की जो यात्रा निकली, बड़ी भारी भारी भीड़ थी, इस बार लग रहा है कुछ बदलाव की बयार दिख रही है? नहीं, बदलाव कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा। जो काम हो रहा अच्छा हो रहा है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, मेरे ख्याल से जो समय मिलेगा 5 साल और नहीं वो उसमें भी कर देंगे, दूर कर देंगे। मतलब एक मौका और देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो इस 5 साल जो सरकार ने कामकाज किए उससे आप कितना संतुष्ट हैं और इस बार क्या मूड बना के आप वोट देने जाएंगे? सर, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार से। योगी जी ने हम महिलाओं के लिए बहुत ही सुअवसर दिए हैं, कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आवागमन में, कई चीज़ें हम लोग को उपलब्ध कराई है। हम अपने बीजेपी योगी सरकार मोदी जी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अगले 5 साल हम इन्हीं को दोबारा देखना चाहते हैं यूपी में और अपने इंडिया में। अच्छा, यूपी में देखना चाहती हैं। मैडम, आप बताइए, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि योगी जी कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? मैं योगी जी और मोदी जी दोनों के कामकाज से बहुत संतुष्ट हूँ, जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, झांसी की जो महिलाएं हैं वो बेहद संतुष्ट हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताइए, आप तो यंग हैं, एक युवा कैसे देखता है इस सरकार के कामकाज को? जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ सोच के जाऊँगा कि इस सरकार में जो एक ट्रांसपेरेंसी आई है, पहले क्या होता था, पहले अगर ऊपर से कोई योजना अगर निकलती थी तो धरातल तक आते आते बीच में कई दलाल उसके बीच में आते थे, कई लोग उसके बीच में आते थे, लेकिन आईटी का एनरोलमेंट होने के नाते, क्योंकि मैं यूथ हूँ, मैं आईटी से ताल्लुक रखता हूँ, आईटी का एनरोल होने के नाते योजनाओं में एक ट्रांसपेरेंसी आई। दूसरी चीज़, जैसे एक एग्जांपल है जनधन योजना, आज ऊपर से कोई भी योजना निकलती है गरीब के खाते में सीधा पैसा पहुँचता है। अगर हम बहुत ही आपसे छोटी सी बात करें, आज से 5 से 6 साल पहले तक अगर हम गैस के नंबर लगाने आते तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग लाइन में लग के सिलेंडर का नंबर लगाते थे। आज शेड में आपके एक फ़ोन पे गैस बुकिंग हो रही है, ये सब एक आईटी का ही खेल, एक ट्रांसपेरेंसी है, तो मेरे हिसाब से सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और झांसी की जो जनता है उसका हम सियासी मूड भापने की कोशिश कर रहे हैं। झांसी के एक और हिस्से में हम पहुंचे हुए हैं और यहां पर भी लोग हैं।
दद्दू, सबसे उम्रदराज आप हैं, आप अनुभव के नाते क्या जानते हैं या क्या पहचानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। पक्का? पक्का 100%। अच्छा, कारण है? हम लोग सुरक्षित है। पहले तो डर लगा रहता था। अच्छा, कैसे सुरक्षित मान रहे भाई? सुरक्षित है, गुंडागर्दी नहीं है? बस गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। आपसे भी जानना चाहेंगे, 5 साल में जो कामकाज सरकार ने किए, उस कामकाज से आपके जीवन में क्या बदलाव आया और इस बार आप लोगों ने क्या मूड बना रखा है? नहीं, देखिए 5 साल में अफसरशाही बहुत हावी रही और अफसरशाही ने जो जनता का उत्पीड़न किया प्रशासन ने हर जिले के, तो मैं कह सकता हूँ कि उससे जनता को बहुत परेशानी हुई 5 साल में। लेकिन रही बात सरकार आने की, सीटें कम होंगी लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी। तो अफसरशाही जो आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उसका असर पड़ेगा? नहीं, अफसरशाही का बिल्कुल असर पड़ेगा। जो उत्पीड़ित हुए हैं, पुलिस प्रशासन रही, जो भी है ना अफसर रिलेटेड रहे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, उत्पीड़न तो हुआ है कहीं ना कहीं, अफसरशाही हावी रही है। उसका खामियाजा बस ये है कि सीटें कम होगी लेकिन जनता सुखी है कि गुंडागर्दी नहीं हो रही और ये सब है, तो सरकार तो दोबारा आएगी। कानून व्यवस्था का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। पहले जो किसी एक पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे, तो अब ऐसा लगा 5 साल में कि अफसरशाही हावी है, तो अब उनके अधीन हम लोगों को चलना पड़ रहा है। ये चलिए ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आए थे, बहुत भीड़ हुई थी, तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार शायद कुछ बदलाव की बयार बह रही है? कोई भी आता रहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मोदी सरकार में कुछ तो काम अच्छे हुए हैं, या योगी सरकार से मिल लो या मोदी भाई, मंदिर बनना, 370 धारा हटाना, ये सभी की बस की बात नहीं है। तो ये तो काम सही किया है और सुरक्षित हैं, ये उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बात है। अफसरवादी भी जो बढ़ा है वो भी जहाँ तक है। राष्ट्रवाद अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन आपको क्या मिला, मतलब एक झांसी की जनता को क्या मिला? अभी मोदी जी आए थे तो काफ़ी कुछ मिलने को तो मिला है, रोडें सही हुई हैं भाई, और डिफेंस कॉरिडोर पे काम, हाँ काफ़ी काम तो हो ही रहे हैं। बीजेपी की सरकार तो आना तो चाहिए। आप पढ़ते हैं कि नौकरी करते हैं? हम नौकरी करते हैं, फोर्सेस में नौकरी करते हैं। अच्छा, तो आप बताइए, आप यंग हैं, बेरोजगारी ना दे, मतलब बेरोजगारी को लेकर बड़े आरोप लगते हैं सरकार पे, तो क्या आपको लगता है सरकार ने इसी ओर ध्यान दिया, युवाओं को लेकर कुछ काम किया? पेपर में जैसे ज़्यादा, जैसे अभी रिसेंटली अपन ने देखा था कि TET का पेपर भी लीक हो गया, तो इसमें युवाओं का तो दिक्कत हुई है। अब नौकरी का ये सरकार के चले जाने के बाद फिर से यही नाटक होगा कि सरकार को चेंज हो जाए तो फिर से बीच में लोग रुके रह जाएंगे। सरकारी नौकरी पे तो असर पड़ा है, पर ओवरऑल जैसे पहले जो समाजवादी पार्टी सरकार थी उस पर थोड़ा मतलब कब्जे का थोड़ा वो रहता था, उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग कब्जे ही है, मतलब ये रहता था। तो वो आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 5 साल में आपके झांसी की या प्रदेश की सूरत कितनी बदली, सरकारी कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? 5 साल की तो दूर की बात है, ये अपन 5 महीने में देख लें आप, कि जब मोदी जी यहाँ झांसी आए थे तब आप ये देख लें झांसी का एक अलग ही रंग रोशन था, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब मोदी जी के सिवा आप कैसे जो ना, तो क्या आप उन्हें चुनेंगे क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस वजह से? जी होता तो उससे वैसे बीजेपी तो अपन नंबर वन ही मानेंगे इस समय। कामकाज कैसे कैसा रहा? कामकाज तो आप देख ही रहे, नंबर स्मार्ट सिटी अपना झांसी बन गया है, धीमे धीमे शायद बुंदेलखंड भी अपना एक स्टेट अगर बन गया तो झांसी उसका प्रधान वो रहेगा कैपिटल, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जनता क्या सोचती है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम सर आपसे बात करेंगे, 5 साल जो सरकार ने कामकाज किया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, और इस बार जिस तरह पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था, क्या लगता है इस बार भी वैसा कुछ देखने को मिलेगा? भैया पहले तो जो आपने बोला है कि 5 साल उन्होंने काम किया है, तो आप एक खुद न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, आप सब जानते हैं कि 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया है। 5 साल सिर्फ पेपर लीक हुए हैं, दूसरों के नाम पे फीते काटे गए हैं, कैंची दिल्ली से आती थी, फीता लखनऊ से आता था, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के फीते काटे हैं। आप बताइए सर, आपका क्या मानना है कि आप यंग है, एक युवा को इस बार सरकार से क्या मिला पिछले 5 साल?
देखिए एक युवा हमेशा से रोजगार की मांग करता आया है। देखिए जो भी हमारी बेसिक ज़रूरतें होती है उसमें शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, चिकित्सा, और हमें अगर हमारे पास शिक्षा अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो हम रोज़गार भी अच्छे प्राप्त करेंगे। अगर आप बात करें रोज़गार के मामले में तो पिछले आप 4.5 सालों में देखते आए हैं जो भी पुरानी भर्तियों का जो ब्यौरा बताते हैं 4.5 लाख मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने भर्तियाँ की हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ 68,569 भर्तियाँ, 2 बेसिक में बड़ी भर्तियाँ थी जो कि केवल शिक्षा मित्रों के पद के, इसके अलावा जो भी पुलिस विभाग में इन्होंने पद निकाले थे वो भी कोर्ट के अधीनस्थ थे, यानी कि जितनी भी प्रक्रियाएं यहां हुई हैं केवल कोर्ट के अधीन ही चली हैं, इन्होंने नए पद कोई भी सृजन नहीं किए। बशर्ते मैं आपको बता दूं इन्होंने केवल और केवल निजीकरण की ओर सरकार के द्वारा ढकेला गया है। अगर मैं बात करूं आज आचार संहिता लगने को लगभग 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, परंतु जो भी रोड मैप होता है कि आगे आकर हम क्या करेंगे, कितना रोजगार देंगे, जिस प्रकार से UPSC अपना एग्जाम कैलेंडर हर बार जारी करती है परंतु इनकी कोई रूपरेखा ही नहीं होती है, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी अभ्यर्थी है क्या जी? मैं अभ्यर्थी हूँ, मैं DL.ED प्रशिक्षु पास हूँ, वादे से प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, और मैंने इनकी दोनों पात्रता परीक्षा एक केंद्रीय स्तर पर होती है, एक स्टेट लेवल पर, यानी कि उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा दोनों पास कर रखी थी। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 28 तारीख को लीक हो गई, कोई भी पेपर अपने नियत समय से हो ही नहीं रहा है। अब लीक होने में क्या सरकार का आपको लगता है कि उसमें फेलियर है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ इसका, मैं एक कारण आपको मुद्दा बताता हूँ कि अगर सरकार अपने नियत अन्य पेपर भी लीक हुए थे क्या उन्होंने उसको रद्द किया? नहीं किया, क्योंकि उनको पता था। आप समझिए अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं अपना अधिकार मांगूंगा, ये सरकार जानती है। बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बहुत से काम हुए हैं और बहुत से होने चाहिए, और जो होंगे उससे हम पूरा कहते हैं सरकार ही करिए, और जो जितनी भी और जो वेकेंसियाँ खाली हैं उसे भरने का काम करे सरकार, और जितनी भी स्टूडेंट्स की जो मिलना चाहिए योजना है, और जो गरीब किसानों को और जो भी चीज़ मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आप बताइए कि आप बुंदेलखंड में रहते हैं, झांसी के जनता के नाते आपको 5 साल में जो मिला उससे आप कितना संतुष्ट हैं, और जब इस बार वोट देने जाएंगे क्या दिमाग में आधार बनाकर आप जाएंगे? देखिए इस बार सबसे पहले तो आपने कहा बुंदेलखंड की हम बात करें तो हमारी 19 विधानसभाएं रहती हैं, 19 विधानसभाओं में से 19 विधानसभा भाजपा को गई थी, और एक आस थी जनता के मन में कि ये पार्टी हमारा कुछ देखेगी, पर उनको सिर्फ हताशा ही हाथ लगी, कुछ नहीं हुआ उस नाम पे, कुछ नहीं हुआ, चाहे पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी या आप स्वास्थ्य की सेवाएं, मतलब ऐसी कोई भी नया काम नहीं हुआ जिनसे उनका एक आगे का कुछ बने, जिनसे उनकी आस बढ़े वो फिर से आप उस पार्टी के संग में जाना चाहें। आपने फिर झांसी की बात की, झांसी में आपका 500 बेड का अस्पताल अखिलेश सरकार में दिया गया था, इन्होंने कौन से स्वास्थ्य की सुविधाएँ दी, रोड आप ले लें तो फ्लाईओवर, ये सीपरी वाला लोग जानते होंगे, यहाँ के रहने वाले कितना परेशान होते थे, अखिलेश सरकार में वो रोड दिया गया जिससे लोग आने जाने में अपने टाइम से आना जाना उनका हो सके। कि इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? बदलाव की बात तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सरकार है अभी इस वक्त मौजूदा सरकार है, ऐसे में जो लोग हैं, लोगों को कई सुविधाएं मिली हैं, जैसे कि सड़कों की बात की जाए कि अगर हमें कहीं दूर जाना है तो जो सड़कें हैं पहले के समय में ऐसी सड़कें नहीं थीं, अब जो सड़कें हैं वो बहुत बेहतरीन हो गई हैं। जो लाइट वाली बात कहें, जो पहले लाइट 12-12 घंटे नहीं आती थी, अब लाइट कटने को भी नहीं देखने, मतलब देखने को नहीं मिलती है, बराबर लाइट मिलती है यहाँ पर, और जो एक माहौल था जो पहले, अब भय मुक्त माहौल है, यानी कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं। भाई साहब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो भाई साहब ने कहा कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन दूसरे भाई साहब ने कहा कि अखिलेश सरकार में जो काम हुए थे इस सरकार में नहीं हुए, आपका क्या राय है इसमें? कानून व्यवस्था को देखी जाए तो आदमी सुरक्षित है, समय के आदमी रात भर निकल पाता है, महिलाएँ भी सुरक्षित निकलती है, और बेरोजगारी की बात कही जाए तो ऐसे कौन जो आदमी है जो काबिलियत है वो जो बेरोजगार हो, अगर जो काबिल है कोई बेरोजगारी नहीं है, सरकार योजना देगी तो आदमी बहुत बेरोजगार होगा, सरकार की जो योजनाएं रहेगी आदमी बेरोजगार होगा, और जब आदमी काबिल होगा तो वो अपने आप से रोजगार ढूंढ लेगा, तो इससे ये है कि मतलब बदलाव तो कोई ऐसा भी होना चाहिए। और देखो अच्छा, इस बार चारों में चारों भी सीटें किसको मिलेंगी, BJP रिपीट करेगी या कुछ बदलाव होगा? इस बार तो देखा है BJP रिपीट हो सकती है इसमें, लेकिन सीटें कुछ कम हो सकती है, ये नहीं कह सकते। कि जनता से आपने सुना लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है, और इस बार जिस तरह पिछली बार 2017 में झांसी की चारों विधानसभा सीटों पर BJP ने क्लीन स्वीप किया था, ऐसे में इस बार
कुछ लोगों का मानना है कि शायद बदलाव देखने को मिलेगा, तो कुछ लोग सरकार के कामकाज से बेहद संतुष्ट दिखाई पड़े। तो झांसी की जनता का आपने मूड देखा। अब हम कल एक और शहर चलेंगे और वहां पर जानेंगे कि लोगों ने इस बार चुनाव को लेकर क्या सियासी मूड बना रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट, झांसी।